हे गाइस, आज है व्लॉग का दूसरा दिन और डे टू भी कह सकते हैं इसे। और अभी मैं तैयार हो रहा हूँ सेंटर में जाने के लिए और देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, धूप के अंदर खड़ा हूँ मैं और अभी एक कंडीशन और आ गई, जो मेरी मम्मी है वो मनरेगा के अंदर गई हुई है और सारा घर का काम मुझे करना पड़ेगा और गर्म पानी वगैरह मुझे करना होगा सभी। तो गाइस, ये भी आज के लिए चैलेंज बन चुका है। तो फाइनली गाइस, काफ़ी मेहनत के बाद जो मेरा पानी है वो गर्म हो चुका है और अभी मैं इसके अंदर से नहाने वाला हूँ और अभी मैं नहा के तैयार होने वाला हूँ, तब तक आप वेट कीजिए। तो फाइनली गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं निकलने वाला हूँ बस स्टैंड की तरफ और अभी आगे जाते हैं और देखते हैं बस आती या फिर नहीं, या फिर मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो गाइस आगे देखते हैं, वो तो आगे चल के पता चलेगा। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी बस स्टैंड पर और जो मेरी बस है वो थोड़ी देर में आने वाली है। आसपास के लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में आने वाली है बस। तो गाइस, अभी बस स्टैंड पर खड़ा हूँ मैं और बस आ जाएगी तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा और देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे एक बाइक मिल चुकी है और इसके ऊपर बैठकर मैं अभी ओबरा जाने वाला हूँ। तो गाइस, बैठ चुका हूँ, चलो भाई। तो गाइस, बाइक जो है वो इधर रोकनी पड़ गई, जो ड्राइवर है उसको थोड़ा काम है इधर। इधर हम पहुँचे हैं, एक डिग्गी बोलते हैं इसे गांव के अंदर, यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी थोड़ी देर में हम वापस चलेंगे और फिर जाएंगे सेंटर के अंदर। तो गाइस, मैं कंप्यूटर के आगे पहुँच चुका हूँ और ये जो है हमारा कंप्यूटर सेंटर और अभी मैं इधर उतरने वाला हूँ। तो भैया, इधर उतारो मुझे। तो गाइस, फाइनली अभी सेंटर की छुट्टी हो चुकी है और आज काफ़ी ज़्यादा काम था सेंटर के अंदर तो मैं इसके बीच में व्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो अभी मैं घर पर निकलने वाला हूँ। तो गाइस, अभी देखते हैं बस आती है या फिर नहीं। आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम था, तो देखते हैं आगे बस मिलती या फिर नहीं। तो गाइस, घर की ओर चल दिए हैं हम और अभी बस स्टैंड पर जाऊंगा मैं ओबरा के और देखते हैं बस मिलते हैं या फिर नहीं, या आज फिर से पैदल जाना पड़ेगा। तो गाइस, मैं मेरे गांव के अंदर पहुंच चुका हूं। तो गाइस, एक बात बता दूं, मैं वहां से पैदल चल के आया हूं 4 किलोमीटर और अभी मैं जस्ट पहुँचा हूँ गाँव के अंदर एंड मेरी हालत देख कर आपको पता ही चल गया होगा। तो गाइस, हम इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।